हे प्रियतम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम हे प्रियतम प्रहसितम प्रिय प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। तुम्हारा जो स्मरण है हे प्रिय, तुम्हारा ध्यान ही स्मरण ही जीव का सब प्रकार से मंगल कर देने वाला है। हे प्रियतम, तुम्हारी उन मधुर स्मृतियों को याद करके प्रहसितानम, वो तुम्हारा विभोर होकर बंसी नाद करना, प्रेम वीक्षणम प्रेम भरी दृष्टि से हमको देखना, विहरणम चते ध्यान मंगलम, और वो तुम्हारा विहार उस सब का ध्यान कर करके हमारे चित्त में आनंद हो रहा है। विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः शोभयन्ति हि। और तुम्हारी वो एकांतिक प्रेम स्पर्शी ठिठोली, वो प्रेमालाप, उसको याद कर करके। एक नियम है प्रियतम, मिलन के समय के जो मधुर क्षण होते हैं, वियोग के समय वो मधुर क्षण अंगार के समान हो जाते हैं। पुरानी स्मृति जो मिलन की मधुर क्षण की स्मृति होती है, प्रेमास्पद के वियोग में वो मिलन के क्षण वो मिलन की स्मृति दुख देने वाली हो जाती है। हे नाथ शोभयंती ही, हम बार बार उन सब कुंज लीलाओं को निकुंज लीलाओं को उस रास मंडल पर मिलन को उस यमुना पुलिन पर श्री राधा कुंड पर भांडीर वन में गहवर वन में उन स्थानों पर जो जो लीला भई उनको याद करती हैं। चूंकि आपकी कथा गानी है यश गाना है, लेकिन एक और यश गा के सुख प्राप्त होता है, लेकिन दूसरी और उस यश को गाते गाते हम उसी स्थिति में पहुंच जाती हैं। और मिलन के वे क्षण जो उस समय बहुत मधुर भासते थे, उनको याद करते ही हमारे चित्त में तूफान उठने लगता है। यदि पत्ते भी हिलते हैं श्री वृंदावन के, तो हमको लगता है तुम किसी वृक्ष पर बैठे बांसुरी बजा रहे हो, चरण हिला रहे हो। कहीं से गंध आती है, हमको लगता है तुम ही चलते हुए आ रहे हो। कहीं कोई मोर चहकता है, हमको लगता है तुमको ही देखा होगा। कहीं कोई कायल कोयल गाती है, हमको लगता है तुमको ही देख के विभोर होके गा रही है। कहीं यमुना जी में कमल खिले देखती हैं, हमको लगता है तुम्हारे चरणों का स्पर्श हो गया है। हे गोविंद, ये सारा श्री वृंदावन जो परम शोभायमान है, पर तुम्हारी स्मृति करा करा करके हमारे हृदय में ऐसी पीड़ा उत्पन्न कर रहा है प्रियतम, हम मुख से व्यक्त नहीं कर सकती। जब तुम्हारी स्मृति हमारे चित्र में प्रबल होती है, तुमको कैसा लगता है? जब याद शाम तेरी आती है, 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 एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा जब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है, एक टीस सी उठती है और दिल, 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 बेचैन हमारा होता है, बेचैन हमारा होता है, बेचैन हमारा होता है, बेचैन हमारा होता है, तेरी याद छिपाए सीने में,
रात तड़पती रहती हूँ, दिन रात तड़पती रहती हूँ, दिन रात तड़पती रहती हूँ, दिन रात तड़पती रहती हूँ, कैसे बतलाऊँ प्राणनाथ, कैसे बतलाऊँ प्राणनाथ, कैसे बतलाऊँ प्राणनाथ, कैसे बतलाऊँ प्राणनाथ, रो रो के गुजारा होता है, 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 जब याद शाम तेरी आती 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 है, गिर जाती हूँ तूफानों में, 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 मझधार में गोते खाती हूँ, मझधार में गोते खाती हूँ, बस तेरा सहारा होता है, बस तेरा सहारा होता है, जब याद शाम तेरी आती है, जब याद शाम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है, मैं चलती फिरती हंसती हूँ, मैं चलती फिरती हंसती हूँ, मैं चलती फिरती हंसती हूँ, चलती फिरती हंसती हूँ, दुनिया से दर्द छिपाने को, 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 ये दुनिया वाले क्या समझे, दुनिया वाले क्या समझे, क्या प्यार तुम्हारा होता है, क्या प्यार तुम्हारा होता है, जब याद शाम तेरी आती है, जब याद शाम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है, एक टीस सी उठती है और दिल, एक टीस सी उठती है और दिल, मेरा तड़प तड़प कर रोता है, मेरा तड़प तड़प कर रोता है, एक तेरा सहारा होता है, एक तेरा सहारा होता है, एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है, हे प्रियतम कृपा करो, कृपा करो दर्शन दो, तब तो गोपियां आगे गाने लगी, चल सियर ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाचते पदम शील तृणांकुरे गच्छति
श्याम सुंदर चलसी यद व्रजात चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथते पदम शिल त्रणांकुरै सीद टीटिनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। हे प्रियतम जब आप सवेरे सवेरे चलसी यद व्रजात चारयन पशुन गैया बछड़ों के पीछे जिस समय आप गोचारण को सवेरे सवेरे जाओ चलसी यद्व्रजात चारयन नलिन सुंदरम नाथते पदम शिल त्रणांकुरै उस समय हमको बहुत कष्ट होए आपके कमल जैसे चरण गैया के पीछे पीछे डोले पूरे दिन उस समय आपके चरणों में तिनका चुभते होंगे शिल चुभते होंगे अंकुर चुभते होंगे शिल त्रणांकुरै सीद सीद तीतिनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। उस समय प्रियतम उस बात को सोच के ही सत्य कहे श्याम सुंदर जिस समय गौचारण को आप जाते हमारा बस नहीं चलता हम कात्यायनी से प्रार्थना करती यमुना जी से प्रार्थना करती हे कात्यायनी थोड़ी देर के लिए हमें ब्रज की धूल बना दे थोड़ी देर के लिए हमें रज बना दे। उस समय तुम्हारे चरणों के नीचे बिछ जाने का मन होता था प्रियतम के चरणों में कोई कांटा नहीं लगने पाए कोई तिनका नहीं लगने पाए चलसी यद्व्रजाचारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथते तुम्हारे पद कितने सुंदर हैं और शिल त्रणांकुरै सीद तीतिनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। हे प्रियतम जब आप जाते कांत गच्छति सवेरे मोहन गाय चराए रहे हो आप जानते नहीं हो प्रियतम सारा दिन कैसे गुजरता सिर्फ आपकी स्मृति में आपकी बात में। हम सब जल लेने के लिए यमुना जी के किनारे एकत्र हो जाती सबके मुख पर एक ही प्रश्न कि सांझ लो रयो कैसे जाए एक ही कष्ट एक ही समस्या सभी की हम सभी की सांझ लो रयो कैसे जाए गाय चरावन गयो लाडलो छिन छिन विरह सताए कल न परत नेकौं मोए सजनी विरह कलेजो खाए गिन गिन घड़ी अंगुरिन पे गिनती कबहू सूर्य लखाए गौरदास व्याकुल ब्रिज बनिता बेग पधारो आए सांझ लो रहो कैसे जाए। हम यमुना पुलिन पे एकत्र हो जाती और सब अपने अपने अनुभव सुनाती कोई कहती अरे वादिन की बात मैं यमुना जी जल लेवे गई और यमुना जी के नीले जल में नील वर्ण श्याम सुंदर को दर्शन होवे लगो और बहुत देर हो गई तब याद आई मैया ने तो जल भरवे भेजो है तब गगरिया डारी यमुना जी से जल भरयो बस जैसे जल भर के फिर बैठ गई मन में सोचवे लगी कहीं श्याम सुंदर आए गए तो मेरी मटकी नाय फोड़ दें पर ब्रज में तो वही मटकी धन्य है जाको कंकरी मार के नंदलाला फोड़े ऐसो होएगो कि नहीं होएगो अच्छा मिल गए तो कहा करूंगी कह दूंगी खबरदार जो मेरी मटुकिया में हाथ लगायो होए मैं अपने आप से ही बचरा रही जैसे मैं बोरा गई हूं मैं यमुना जी से ही बचरा रही मैं तुलसी जी से ही बचरा रही मैं मटुकिया से ही बचरा रही सखी कहा कहूं ये श्याम सुंदर तो मानो कल्प तरु है मैं तो अपने आप ही बतरा रही जाने कहां ते आए गयो पीछे से मेरी दोनों आंखें पे हाथ धर ली अरे कौन अब मैं कितनी बावरी रात दिन जिसको चिंतन में अनुभव ना कर पाई ये कौन को स्पर्श है मैं बार बार कहती रही कौन ईला ललिता सौगंधी कौन पहचान ही ना पाई अंततः तो प्रियतम एकदम सन अरे
ठाकुर जी ने कही तो ना पहचान पाई, हार गई। मैंने भीतर भीतर कही मैं तो सदा से हारी भई हूं, पे ऊपर तो कही कोई खेल हो तो तब तो हारती, तो यहां क्यों बैठी है? अरे तेरे बाबा ते जाए के कहूंगो या को ब्याह कर दे तो बाबरी है गई, अकेले में बैठी बचराव है। अरे ऐसी मत कहियो, तो क्यों बैठी है? अरे नेक पाम दूब गए, दोपहरी हो रही और मटकी उचवावे वारो कोई नहीं, तो ला मैं उचवा दूं मटकिया। और फिर वा दिन श्याम सुंदर ने मेरी मटकी उचवाई और जैसे सिर पे धरी, हम ही सब ये सब बातें करती थी श्याम सुंदर। उस सखी ने बताया जैसे ही धरी, पहले तो मेरे नेत्र नीचे, मैंने नाए देखो, बस देखना ही सबसे बड़ो खतरो है, पर जब मटुकिया धरी तो धरी तो धरी, फिर जैसे जैसे मटुकिया उठी ऐसे ऐसे मेरी दृष्टि उठी और जो देख लियो श्याम सुंदर को, मैं तो बावरी है गई। श्याम सुंदर ने तो ठीक से पधरा दी, पर मैं भूल गई, इन्होंने तो धर दिया मोकू पकड़नी है, मैं पकड़नी भूल गई और धम्म देनी से मटुकिया गिर गई नीचे, मैं भीज गई जल में। प्यारे बोले देखो बाबरी को, अब हल्ला मचाएगी सारे ब्रज में कि नंद के लाला ने मटकी फोड़ दी, करेगी बदनाम, मेरो ब्याह नहीं होने देगी। मैं उसी स्मृति में डूबी भई, भीग गई, सोचे कहा करूं, मैं भागी गई। श्याम सुंदर ने कही ये तो ना कहेगी मेरी मटकी फोड़ दी, मैंने कहा यही कहूंगी। मैं भागी भागी गई, मैया ने पूछी भीग कैसे गई, मटकी कहाँ, इतनी अबेर कैसे, जल लावे गई। मैंने वही सदा को बहाना लाला ने फोड़ दी। मैया के अच्छो जशोदा को बुढ़ापे को लाला है, बिगाड़ दियो, अभी चल मेरे साथ। मैं इसलिए मैया के पीछे पीछे चल पड़ी, एक बार फिर दर्शन हो जाएगा। उल्हाना तो कोई नहीं था, पर नेत्र देखे बिना मानते कहाँ है तुमको। मैं फिर मैया के पीछे पीछे चल पड़ी। अब मेरी मैया ने बहुत जोर हल्ला कियो दरवाजे ते, अरे जशोदा तेरे बुढ़ापे को पूत होएगो, हम तो गोकुल छोड़ के कहीं और बसेंगी जाके, अब नहीं रह जाए या ब्रज में, कहीं माखन चुराए मटकी फोड़े और मेरी लाली का चुनरी भी खेच दी और मेरी माला भी तोड़ दी। जशोदा जी ने कही मेरो लाला तो भीतर पोड़ रहे हो, भीतर पोड़ रहे हो लाला, तो माला कम में कहूं फोड़ आयो के बुलायो। उसी समय श्याम सुंदर आए, मुझे तो मानो सांप सूंघ गयो, मैंने फिर नीचे दृष्टि कर दी। अब तो जशोदा जी ने कही के मैया लाला बता कहा कह रही है ईला, तेने यहां की मटकी फोरी। लाला कहे गैया मैया की सौगंध, जो मैंने मटकी फोरी हो पूरे ब्रज की सब में झूठी है ये, कैसे? अरे मैया पतो ना, यमुना तट पे बैठी आप ही आप बचरा रही, आप ही आप बचरा रही, जने कहा बचरा रही। मैं गयो, मैंने कहा कहीं कोई उन्माद न हो गयो, कोई ऊपरी न हो गयो हो। मैं गयो तो गोद में जल की मटकी लेके बचरा रही, मैंने मटकी उचवाई दी मैया। और मैंने जो मटकी उचकवाई, सखी श्याम सुंदर ने ऐसे कमर घुमाए के दिखायो, ऐसे जो मैंने मटकी सिर पे धरी और ये कनक लतासी ऐसी हिली मोकू देख के कि पट देनी से घड़ा गिर गया, झट देनी से भीग गई और लतर पतर ऐसी भागी, मेरी बन माला से मोती माला उझर गई, मोती माला बिखर गई, चुनरी से पटका उझर गया, चुनरी उघर गई और झूठी ने मेरे नाम लगा दिया, मटकी फोड़ दी, माला तोड़ दी, चुनिया। मैं कहा कहूं, श्याम सुंदर ने ऐसे कमर हिलाई, मेरी मैया की भी हंसी छूट गई, मेरी भी छूट गई, दूर जो गैया दूर रही सबकी छूट गई। अब मेरी मैया ये भूल गई मैं आई काय को ही, उल्हानो ही देनो भूल गई, श्याम सुंदर की वो छटा वो कमर हिलानो, सखी वो दिन की बात, जब मैं याद करूं तो रूं, फिर ऐसा दिन कब आए को जो मेरी मटकी फिर उठाएंगे श्याम सुंदर। मटकी तो वही धन्य है
जिससे हाथ लग जाए प्रियतम को। हे प्रियतम, हम तुम तो गैया चरावे जायो करते, हम पूरे दिन यमुना पुलिन पे, और कोई बात नहीं, अपने अपने अनुभव, कोई अपनी बात कहती, कोई अपनी बात कहती, बात कहते में इतनो सुख मिलतो कि बस संध्या हो जाती तुम्हारो यश गाते गाते, और तुम्हारो यश गानो बंद हो जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती। चल सी यद व्रजाचारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पतो, शील तृणांकुर सीध ती तिन कलि लता मन कांत गच्छती। हम विचारो करती तुम्हारे चंदन में तिनका चुपते होएंगे, हम मनोती मांगती हे कात्यायनी अगले जन्म में हमें ब्रज की धूल बनाइयो, अगले जन्म में हमें ब्रज की लता पता बना दियो, कम से कम प्रियतम के चरण में तो बिद जाएंगे, हमें गोपी क्यों बनायो। हम घर के बंधन में कैसे नंदनंदन के चरणन को स्पर्श पाए, हम इसी स्मरण में अपनो समय गुजार देती, पर फिर संध्या समय आप पधारते तो हमारे नेत्रों को शीतलता मिलती। प्रियतम उस समय तो कुछ देर के लिए, दिन के समय आप गैयान के पीछे नंगो पैर चले करते, और अब तो रात्रि के समय आप या वन में हमसे छिपते भय डोल रहे हो। हे प्रियतम, हमसे कौन सो संकोच है, हमसे जो भूल भई हमको क्षमा करो, हम आपके चरण कमलन में समर्पित हैं, हम आपकी हैं। हे श्याम सुंदर, प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो और हमको स्वीकार करो। इन्हीं भावों को श्री गोपियां श्याम सुंदर को निवेदन कर रही हैं। अभी गोपी गीत शेष है, समय हो रहा है कल फिर 3 बजे से आगे इसी चर्चा को, गोपी गीत को ही आगे बढ़ाएंगे, अपने हृदय के भीतर गोपी भाव को जागृत करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं, कल पुनः 3 बजे सब लोग उपस्थित होंगे, अभी आरती का दर्शन करके फिर प्रस्थान करेंगे और प्रेम से कहेंगे जय जय श्री राधे। गोपी जन वल्लभ श्याम राधा रमण श्याम, गोपी जन वल्लभ श्याम राधा रमण।
प्रभ श्याम राधा रमण श्याम गोपी जन वल्लभ श्याम राधा रमण श्याम हाँ गोपी जन वल्लभ श्याम राधा रमण श्याम गोपी जन वल्लभ श्याम राधा रमण जन वल्लभ श्याम राधा रमण श्याम गोपी जन वल्लभ श्याम राधा रमण श्याम जिताई गौराधिश्याम हरे कृष्ण हरे राम जिताई गौराधिश्याम हरे कृष्ण हरे राम जिताई गौराधिश्याम हरे कृष्ण हरे राम जिताई सरकार की जय हो बड़े बाबा जी महाराज की जय हो सतगुरु देव की जय हो श्री गुरु